राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। शनिवार को भाजपा ने राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बीजेपी अध्यक्ष ने राफेल मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से देश की जनता से माफी मांगने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शनिवार को राफेल डील मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी ने शनिवार को राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश को गुमराह करने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस करतूत के लिए राहुल और सोनिया को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में वैचारिक लड़ाई तो चलती है, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं चलती। वैचारिक राजनीति चल सकती है, जनता झूठ की राजनीति पसंद नहीं करती। और उसके बाद भी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति का सहारा लें तो उसको बेनकाब करने के लिए जनता को आगे आना पड़ता है। जिस तरह से राफेल के मामले में राहुल गांधी जी ने लगातार झूठ बोला और उसके बाद देश को गुमराह करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में ही इस बात का निर्णय सुना दिया था कि राफेल में कहीं कोई गलती नहीं हुई है, कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो देश से झूठ बोलते रहे और फिर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। अभी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी जी के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है और एक बार फिर से उस पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राफेल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सारा नियमों के अनुसार, खरीद प्रक्रिया के अनुसार राफेल की डील हुई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज ये मांग कर रही जनता के बीच में जाकर कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जनता से और देश से माफी मांगना चाहिए और दोबारा झूठ बोलने से तौबा करना चाहिए। यही लेकर आज पूरे देश में, इस मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में आकर खड़े हैं। भाजपा द्वारा राफेल डील मामले को लेकर किए गए प्रदर्शन में बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह के अलावा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जिला अध्यक्ष विकास वीरानी, पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, सलीम खान सहित अन्य नेता प्रदर्शन में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, भोपाल।